NTAUGCNET yani Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग करने वाले हैं रिसर्च के अंदर। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोज़ देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। व्हाट इज़ सैम्पलिंग इन ए रिसर्च टर्म? ए सैम्पल इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइटम दैट आर टेकन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग एक लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर किसी चीज़ का समूह हो सकता है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से लिया जाता है। और इसे देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलते कि एक गांव के अंदर पढ़े लिखे 1000 लोग हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे हुए 1000 लोग हैं और हमें ये देखना है कि इनके अंदर जो पढ़े हुए लोग हैं उनके अंदर दहेज के प्रति उनकी क्या सोच है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हर एक इंसान से जाके मिलेंगे, हम क्या करेंगे कि उन 1000 लोगों में से हम 60 से 70 लोग या 100 लोग इकट्ठा करेंगे, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग लेंगे हम और उनसे राय जानेंगे कि आपकी दहेज के प्रति क्या राय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, टोटल पॉपुलेशन में से हम कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं सैम्पल के रूप में उनकी राय जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सैम्पलिंग रिसर्च में कितने प्रकार की होती है और किस तरह से ये यूज होती है। अब देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने 5th क्लास से लेके हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि एक थैला है, थैले के अंदर 10 बॉल रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर लाल भी है, नीली भी है और पीली भी है, उसमें से हमें 4 बॉल निकालनी है तो नीली होने की संभावना क्या होगी, तो वो इस तरह के सवाल करते थे। तो आपको शायद पता होगा प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है, और नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। अब देखिए हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लास में लॉटरी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करना है, मान के चलते कि एक कंपटीशन है और उसके अंदर हमें बच्चे चाहिए अपनी क्लास में से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब 30 बच्चे हैं, अब हम किसी अगर डायरेक्टली किसी एक बच्चे को लेंगे या 4-5 बच्चों को लेंगे तो दूसरे बच्चे हैं वो हो सकता है नाराज़ हो जाए कि हमें नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे कि एक लॉटरी सिस्टम बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसमें जिसका भी नंबर आएगा, जैसे पर्ची रख देंगे एक डिब्बे के अंदर 30 पर्चियाँ रख दी और उसमें कहेंगे भाई जो भी 5 पर्चियाँ निकलेगी जिसके भी नाम की और उसे हम लेके जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लॉटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें दोस्तों सभी को इक्वल चांस होते हैं सैम्पल बनने के, ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में इसमें पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगली आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की विपरीत है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हम सैम्पल इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के अनुसार सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सभी बच्चों के शामिल होने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हम दोबारा फिर एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर हमें बच्चों का सिलेक्शन करना है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो बच्चा साइंस के अंदर और मैथ के अंदर ज़्यादा होशियार है,
ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उस बच्चे को हम लेंगे। ठीक है, तो क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन बच्चों के साइंस में और मैथ में ज़्यादा नंबर आते हैं, तो उनको हम अलग से निकालेंगे। तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से बच्चे लेने हैं। और आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में किस किस तरह के टाइप होते हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग आता है। रैंडम सैम्पलिंग मैंने बताया दोस्तों, हम इसमें रैंडम तरीके से चुनते हैं। जैसे कि वही कि 30 बच्चों की क्लास है और 30 में से हमें कोई 5 बच्चे लेने हैं, तो हमने कोई भी 5 बच्चे उठा लिए बगैर कुछ देखे भाई इसे कितना आता है और कितना नहीं आता, ये काला है या गोरा है, कैसा है, लड़का है लड़की है, कोई कुछ भी हमने नहीं देखा, बस सीधे उनको उठा लिया। और आगे देखते हैं हम आगे क्या आता है। आगे आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम डिसाइड कर देते हैं भाई जो हमारे पास 50 बच्चे हैं उसमें से हर पांचवा बच्चा हम लेंगे, और वो पांचवा बच्चा हमें नहीं पता लड़का है लड़की है और कौन है कैसा है, हमें नहीं पता। हमने एक सिस्टम डिसाइड कर दिया कि हर पांचवा, दसवां, पंद्रवा, बीसवा, यानी कि पांच पांच बच्चे छोड़ के हम बच्चा लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि उसके अंदर हमने एक सिस्टम बना दिया। आगे आते हैं दोस्तों हमारे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन में से अलग अलग सहजातीय होमोजेनियस ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप में से हम सैंपल लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि 900 लोगों की जनसंख्या है, ठीक है, और हमें कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 300-300 लोगों का जो ग्रुप है वो अलग बना देंगे। इसमें सबसे पहले जो बच्चे हैं 18 साल तक के, उनको हमने अलग बना दिया, अलग ग्रुप कर दिया। उसके बाद में जो 18 साल से ज़्यादा के आदमी हैं उनका हमने अलग बना दिया, और फिर जो महिलाएं हैं महिलाओं का ग्रुप हमने अलग बना दिया। यानी कि होमोजीनियस क्या होता है दोस्तों, जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। और हेटरोजीनियस कहते हैं जो अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके जो गुण वगैरह है वो अलग हो। तो यहाँ पे जो 18 साल तक के बच्चे उनको अलग कर दिया हमने, और जो आदमी है 18 साल से ऊपर के वो हमने अलग कर दिए, और जो महिलाएँ हैं उनको हमने अलग कर दिया, ठीक है। और अब देखिए, अब इनमें से जो सैंपल है वो फिर हम जो बच्चे हैं उनमें से रैंडम तरीके से सेलेक्ट करते हैं, जो आदमी हैं उनमें से अलग, और जो महिला है उनमें से अलग तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लासेस दी जा रही हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इस सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है, जिन्हें क्लस्टर बोला जाता है। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैम्पल लिया जाता है, इनका नेचर विजातीय यानी कि हेटरोजीनियस होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड होती है, और फिर उन ग्रुप्स में से हम रैंडम तरीके से सैंपल इकट्ठा करते हैं। अब देखिए इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश खेलने वाले हमें एक टोली मिलेगी, जगह जगह टोली मिलेगी, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि एक गाँव के अंदर छः टोली बनी हुई है जो ताश खेलने वालों की। और अब देखिए जो ताश खेल रहे हैं उसके अंदर सभी अलग अलग लोग होंगे ना, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है, तो वो सभी अलग अलग होंगे, उनकी उम्र भी अलग अलग हो सकती है। यानी कि वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे हेटरोजीनियस हो गए, यानी कि सभी के जो गुण हैं वो अलग अलग है। अब उन सभी अलग अलग गुण के जो ग्रुप है उनमें से हम रैंडम तरीके से कोई भी दो जो ग्रुप है वो उठा लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक है। और
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या था, आगे आता है दोस्तों हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और आगे देखते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसके देखिए इसके अंदर सैम्पल के चुनने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। अब देखिए सबसे पहली जो हमारी सैम्पलिंग आती है इसके अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैम्पल को चुनना इस सैम्पल के अंदर आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अब हम मान के चलते हैं कि गांव के अंदर जो महिलाएं हैं तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और वो उन अत्याचार के ख़िलाफ़ क्या कर रही है, इसके लिए हमें एक रिसर्च करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर हम घर घर जाके, यानी कि 10 घरों में एक घर में जाके हम उन महिलाओं से बात करें, या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ना हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ठीक है, मंदिर के अंदर चले गए शाम को और वहीं पे जो 20 महिलाएं आएंगी उन्हीं से हम बात कर लेंगे, हम घर घर नहीं जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखी, अपनी सुविधा देखी। ठीक है, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो सैम्पलिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए अगली आती है हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। अब देखिए कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा सैम्पल कितना लेना है। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक रिसर्च करने है, उसमें हमें पता करना है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। तो इसमें हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें हम केवल 30% महिलाओं को शामिल करेंगे और जो बच्चे हैं उनको हम 70% शामिल करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं भाई जो महिलाएं हैं वो कितनी होगी और जो बच्चे हैं वो कितने होंगे। और अगली आती है दोस्तों हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है स्नोबॉल, यानी कि जो बर्फ़ का गोला होता है जब उसे बर्फीले इलाके में फेंका जाता है तो क्या होता है कि उस बर्फ़ के साथ और भी बर्फ़ मिलती हुई चली जाती है। देखिए इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक गांव के अंदर गए, हमें वहाँ पर नशा करने वाले युवाओं के बारे में जानना है कि कितने जो लड़के हैं वो नशा करते हैं और उनके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अब देखिए हम किसी के पास जाएंगे तो वो डायरेक्टली तो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ, मेरे पे ये इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बंदे के पास जाएंगे जो नशा करता है और जिस पे हमें और उसको हम पे विश्वास है। ठीक है, हम उसके पास जाएंगे और उससे पता करेंगे कि तेरे गांव के अंदर कितने लोग, कितने लड़के हैं जो नशा करते हैं। ठीक है, और उसी से हम जानेंगे कि कितने लोग नशा करते हैं, उनमें से कितने लोगों की जो सेहत है वो ख़राब हो गई, कितने और कितने युवाओं हैं उनका कैरियर ख़राब हो गया। तो यानी कि एक ही व्यक्ति से काफ़ी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। और यहाँ पे मैंने हिंदी में एग्जांपल दिया, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप ये पढ़ लेना। और आगे आती है दोस्तों हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की सैम्पलिंग में हम सैम्पल को पहले अच्छे से जज करते हैं, उसके बाद ही सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सैम्पल लेने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि इसे नॉलेज है या नहीं, ये हमारी रिसर्च के लायक है या नहीं, यानी कि पूरी तरीके से उसको हम जज करते हैं और उसके बाद हम उस सैम्पल को अपनी रिसर्च के अंदर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मुख्य रूप से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स थे और इनमें से क्वेश्चन काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।